दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो है एक दो बच्चों ने कमेंट भी किया है, सर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है सर हमारे लखनऊ में जो इंटरव्यू हो गया था और मिर्ज़ापुर से है और यहाँ पर 23,000 रुपये सैलरी जो है बताई गई वन विभाग के अंतर्गत, जो स्केलर की भर्ती आई थी वहाँ पर जो है वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो 23,000 रुपये सैलरी यहाँ पर बताई गई है। और सही बात बता रहा हूँ, रियल में इतना ही इसमें मिलेगी, अप्रॉक्स सैलरी आपकी इतनी बैठती है और है ना, यहाँ पर भी देख लीजिए लगभग 24,000 के आसपास। और कट कटा के आपको भाई, आप सभी जानते हैं पीपीएफ वगैरह भी कटता हम सब लोगों का, अभी जो है सैलरी हमारी जो है 80-85,000 के आसपास जो बैठती है, वर्कर कटा के हमारी जो है 75-76,000 के आसपास वो अप्रोक्स आती है। तो उसी तरीके से आपकी भी 24,000 बैठेगी और कट कटा के आपको 19,000 रुपये अकाउंट में आएंगे। और रियल सही बात यही है इसके अंदर, इस पर कुछ बच्चे तो मानते हैं, कुछ बच्चे लाइक भी करते हैं, पर कुछ बच्चे जो है बिल्कुल वैकेंसी नौकरी लग जाती फिर वीडियो देखते ही नहीं है, मत देखिएगा आगे वाली। और यहाँ पर जो कुछ लड़कों ने कमेंट भी किया था, सर हमको जो है रायबरेली से जॉइन लेटर चपरासी भर्ती का मिल गया यहाँ पर जो है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि मस्त वीडियो सर जो है, मेरा भी सिलेक्शन जो आपको वीडियो देख के हुआ है और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बहुत सिलेक्शन होता है, बहुत से कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, पर बहुत से ऐसे हैं जो देख कर वीडियो भाग जाते हैं, है ना, लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। यहाँ पर जो है ये मैंने आपसे कितनी बार कहा, नौकरी यार पूरे इंडिया में कहीं भी मिले, नौकरी खातिर इंसान विदेश में डाला हुआ है। एक बार बताइए झारखंड के लंदन में, ये झारखंड में भर्ती जो निकाली गई 399 पदों पर आवेदन 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर जो है ये, तो आप फॉर्म क्यों नहीं भरते हैं भाई, है जनरल में डाल दीजिए, क्या दिक्कत, जनरल में वैकेंसी है जिसकी उम्र 21 से 35 साल है, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। 399 पदों पर जो है ये भर्ती आ चुकी है यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पे उम्र सीमा यहाँ पे 1 जनवरी 2024 में वो रखी जाएगी, ठीक है। आप जानते अगर आप टाइपिंग आती है तो आप ये फॉर्म जो है वो जरूर भरिएगा, और QR स्कैन भी यहाँ पर करके ज़्यादा जानकारी आप ये जो है वो ले सकते हैं। साथ में जो आपने देखा हो यहाँ पे जो वन विभाग के अंदर स्केलर की भर्ती आई थी उसमें कुछ लिस्ट जो है मैं आपको दिखा चुका था, और ये रेणु देख लीजिए यहाँ पर जो कहाँ की है ये रहने वाली, मैं हम आपको दिखा रहा हूँ लखनऊ के आसपास, ये हाथरस का नाम आपने सुना ही होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हाथरस उत्तर प्रदेश। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो है लिस्ट जो आई है वो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जितेंद्र कुमार हो गए, विनय कुमार हो गए, ब्रजेश, ये सब जो लिस्ट ये, और ज़्यादा जो पुराना लिस्ट भी नहीं दिखा रहा हूँ। 9 मार्च 2024, आज कितनी भैया 11 मार्च, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई 2 दिन पहले का लिस्ट अभी अपलोड किया था यहाँ पर जो है साइट पे, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ पे डाला हुआ इसके अंदर का, यहाँ पे जो है ये वन विभाग के अंतर्गत जिस लड़के ने अभी शुरू में मैंने शुरू में दिखाया था कि यहाँ पे इनका वन विभाग का जो भर्ती आई थी यहाँ पर जो है ये उसमें लिस्ट यहाँ पे ये पूरा लिस्ट जो है आधा आधा दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते वीडियो इतना लंबा हो जाता है, बहुत से लिस्ट देखते हैं, बहुत कोई और वीडियो देखते हैं, मतलब कॉट वैकेंसी दिखाता रहता हूँ मैं जो है ना, तो पूरा लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अभी पूरा लिस्ट ये खत्म नहीं होता यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, मनोज कुमार दे रखा है, यादव, मनोज कुमार यादव है, नीरज शर्मा है, ये सब पूरे नाम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये इसमें जो है लड्डू लाल मीना, ये सब इनका नाम दिया हुआ भैया है ना, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से नाम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, मनोज कुमार वर्मा, दिलीप कुमार, अन्नू, जितेंद्र कुमार है, ये है ना पूरा लिस्ट यहाँ पे इस कलर का आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा लिस्ट, और उसी की वजह से यहाँ पर जो लोगों को जो है ये वो ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ था जिसको सैलरी यहाँ पर बताई गई थी, मैंने आपको बताया था ना इसके यहाँ पर हुआ सिलेक्शन, तो वही चीज़ ये पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, बहुत लंबा लिस्ट है भाई, आप सभी जानते हैं यार कम से कम एक सीट पर 3 कैंडिडेट बुलाएंगे, 300 लगा लीजिए, 100 से 300 400 बच्चों का लिस्ट होगा यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो है बहुत सकेंगे लिस्ट के अलावा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये अजय रावत है ये, ठीक है, तो इनका जो है ये कहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये मथुरा देख लीजिए यहाँ पर जो मथुरा और लखनऊ, मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में है मथुरा, तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है ये पड़ा हुआ है, और भी देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये एम्प्लॉय का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 7-8 नंबर जितेंद्र कुमार वर्मा है, ऋतु है, ये सब ये अलग अलग लिस्ट यहाँ पर जो श्वेता है, इसका रूपा है, कमलेश उत्तम, ये सब पूरा नाम यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है भाई ने कमेंट किया था यहाँ पर जो है सर मेरे पास वन विभाग वाले कॉल जो आई थी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो है ये, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 24,000 उसमें 19,000 सैलरी आपको कुछ भी कट कटा के मिलेगी, और सही बात है रियल में आपको बता रहा हूँ, वन विभाग के इंटरव्यू चल रहे थे यहाँ पर जो है ये किस डेट को यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देखते तो है नहीं, अब पूरा वीडियो देखते हैं, लाइक वगैरह कम करते हैं, सीधी भर्ती यहाँ पे देख ले, सीधी भर्ती निकाली गई यहाँ पर जो ये राजकीय के अंतर्गत, यहाँ पे देख ले सीधी भर्ती का विज्ञापन अभी इसी वो लास्ट में आउट हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है कहाँ पे से है ये झांसी राजकीय कॉलेज यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर अभी देख लीजिए यहाँ पर जो है राजकीय कॉलेज बिजनौर, राजकीय कॉलेज कन्नौज, राजकीय कॉलेज मैनपुरी, राजकीय कॉलेज सोनभद्र, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात चल रही है, भर्ती निकाली गई यहाँ पर जो है ये राजकीय कॉलेज बांदा, राजकीय कॉलेज आजमगढ़, राजकीय कॉलेज अम्बेडकर नगर, राजकीय कॉलेज जो है कमला
यही या कमला नेहरू औद्योगिक संस्थान सुल्तानपुर, ये सब जो है इसमें निकाली गई। ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाके वाला फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 21 मार्च 2024 में अंतिम तिथि है, ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाके वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विधानसभा के अंतर्गत यहाँ भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर जो है आपका सहायक प्रखा पदाधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर आशुलिपिक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे संख्या दे रखी है, सैलरी वगैरह ओके, इसमें योग्यता सब पूरा ब्यौरा यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट इसको डाउनलोड कर लिया है, पूरा लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट निकाली गई कहाँ से निकाली गई, बिहार। मैंने कितनी बार बोला भाई, अभी जब बिहार में शिक्षक भर्ती आई 40,000 पदों पर, उसमें उत्तर प्रदेश से कम 10% कैंडिडेट लगे थे, तो आप भी कर दीजिए, क्या दिक्कत जा रहा है। अभी है स्टेनोग्राफर हो गया, यहाँ पे आशुलिपिक हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ है, अभी डेट चल रही है, इसके अंदर डेट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है ये है ना। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2024, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म डाल सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके ये फॉर्म भर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे देख लीजिए सरकारी जो है चौकीदार पद, जो आवेदन पत्र ये है, ये वाला फॉर्म आप भरिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नाम अगर सबको यहाँ पर जो है आवेदन, तो यहाँ पर लिखा आवेदन पद का नाम चौकीदार, तो यहाँ पर सरकारी चौकीदार की भर्ती आ चुकी है यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर पूरा ब्यौरा भरने के बाद यहाँ पर आपको साइन करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जिसकी अंतिम तिथि की बात करेंगे 15 मार्च 2024 है ये, ठीक है। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर कहीं से वैकेंसी निकलती है, कुल मिला के दो है चौकीदार के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, 276 पदों पर भर्ती वैकेंसी आ गई यहाँ पर जो है ये। ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाके वाला फॉर्म जो आप ये भर सकते हैं। और इस समय मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन भी है, बहुत बड़ा इलेक्शन, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो 40,000 पदों पर जो है सफाई कर्मचारी भर्ती का आवेदन बहुत जल्द शुरू इसमें होने वाले हैं, जानकारी यही मिले। जिस तरीके से मैंने आपको कई बार अवगत कराया था कि हम साथ एडेड कॉलेज के अंतर्गत वो है, आपकी चपरासी भर्ती आएगी आ गई है ना, आप सभी जानते हैं, संविदा पर आई हो चाहे कैसे भी आई, 40,000 पदों पर आवेदन वो शुरू होने वाले हैं यहाँ पर जो है। जब तक यूपी की वैकेंसी नहीं आ रही तब तक भाई एक बार बताइए, अगर राजस्थान में भर्ती निकालेगी अदर स्टेट का इसमें कोटा रहता है। मैं आपको कितनी बार बताऊँ, ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, और 27 मार्च 2024 तक इसके अंदर फॉर्म आप ये जो है वो डाल सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और अधिकतम यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो राजस्थान में सैलरी मिलेगी ना, यहाँ पर देख ले 40,000 जो है सैलरी मिलेगी, 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेतन वगैरह सबको दिया गया है, तो फॉर्म भर दीजिए। जब यूपी की वैकेंसी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल दीजिए तो भर दीजिएगा फॉर्म, बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। बात करते हैं कमेंट की, और यहाँ पे लिखा हुआ वैकेंसी पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही है, भाई तो हम कैसे दिखा रहे हैं अभी, पोर्टल से जो डाउनलोड करके हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ पे बताया कि सर मेरा इंटरव्यू जो है ये यहाँ पे 24 फरवरी को हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बरेली में हूँ, और यहाँ पे जॉइनिंग लेटर जो नहीं मिला, मिल जाएगा, अभी थोड़ा सब्र रखिए, हमारी अति कृपा होगी आपकी। अब भाई मैं तो खुद चाहता हूँ मेरे द्वारा, अगर किसी को मेरे चैनल के द्वारा अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी परिवार पल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर इस तरीके से लड़के कमेंट भी कर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पर बताया रायबरेली से हूँ मैं, उन्नाव में डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर संडे को जो है वो स्कूल वाले काम कराते हैं, बुलाते हैं, और जो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता भाई, सरकारी कॉलेज वाले ऐसे बुलाते नहीं, प्राइवेट वाले बुलाते रहते हैं, सरकारी कॉलेज वाले नहीं बुलाएंगे आपको। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस, थैंक यू वेरी मच।